Can you imagine problems of inverse trigonometric functions can be solved with the concepts of complex numbers? जी हाँ, एक example लेकर समझते हैं, जैसे कि 10 inverse 1 plus 10 inverse 2 plus 10 inverse 3. आप बेशक इसे inverse trigonometric function के formula से solve कर सकते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूँ, imagine करिए complex number 1 plus iota, तो आप इसका argument क्या कहेंगे? 10 inverse 1 upon 1. दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर समर इमेजिन करें 1 प्लस 2 आयोटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट आप क्या कहेंगे? 10 इनवर्स 2 अपॉन 1. और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम इमेजिन करें 1 प्लस 3 आयोटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट आप कहेंगे 10 इनवर्स 3 अपॉन 1. मेरे पास तीन नंबर्स हैं, 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 2 और 10 इनवर्स 3, पर कॉम्प्लेक्स नंबर के पर्सपेक्टिव से इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच जो हम निकाल कर ला रहे हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस. और हम जानते हैं प्रॉपर्टी argument of z1 plus argument of z2 plus argument of z3 is nothing but argument of z1, z2, z3. Yani 10 inverse 1 plus 10 inverse 2 plus 10 inverse 3 can be rewritten in a different sense. Argument of 1 plus iota times 1 plus 2 iota times 1 plus 3 iota. जब आप 1 plus iota, 1 plus 2 iota, 1 plus 3 iota का product लेते हैं, तो आप इसे पाते हैं minus 10. And I hope हम सब बखूबी जानते हैं कि minus 10 आपका एक प्योरली रियल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है. और अगर ये एक नेगेटिव प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है पाई. और इस तरीके से आप बिना आईडीएफ का फॉर्मूला लगाए अपना आंसर पा सकते हैं पाई. आई होप आप जान पा रहे हैं कितने इंटरेस्टिंग से मैनर में आप किस चैप्टर के कंसेप्ट को किसी और किस चैप्टर के कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करते हैं.